नमस्कार, कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के कृषि समाचारों में है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा सूखे से निपटने के लिए राहत कोष बनाएं, मोबाइल से जानिए धान की खेती का हाल, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी खरीफ से लागू, इटली वाले चखेंगे लखनऊ की हरी मिर्ची का स्वाद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बीजों पर दिया जा रहा अनुदान, मेंथा आयल के अच्छे उत्पादन की उम्मीद, किसानों के घर घर जाकर गेहूं खरीदेगी सरकार। किसान भाइयों, अब कृषि समाचार विस्तार से। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सूखे की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को राहत कोष बनाने को कहा है और कृषि मंत्रालय को आदेश दिया है कि स्थिति का आकलन करने के लिए सूखा प्रभावित उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों के साथ एक सप्ताह के अंदर बैठक करे। माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों को लागू किया जाए और वैज्ञानिक आधारों पर सूखे की घोषणा करने के लिए एक समय सीमा तय करे। न्यायालय ने आपदा प्रभावित किसानों को कारगर राहत देने के लिए केंद्र सरकार को सूखा प्रबंधन नियमावली की समीक्षा करने और संकट से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए कहा है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है जो कि खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। राइस एक्सपर्ट के नाम से इस ऐप द्वारा कीटनाशक छिड़काव, पोषण, विभिन्न हालात के लिए धान की किस्मों सहित धान की खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएगा। यह ऐप वेब आधारित एप्लीकेशन प्रणाली है जिन पर किसानों से लेकर कृषि वैज्ञानिकों तक से सूचनाएं आ सकती हैं। इससे विभिन्न समस्याओं का समाधान तुरंत मिल सकेगा। यह ऐप किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इसी खरीफ से पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करने का निर्णय लिया है। अब तक प्रदेश के 65 जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा 10 जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है। उत्तर प्रदेश में अब दोनों बीमा योजनाओं को हटाकर इसी खरीफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया जाएगा। लखनऊ की हरी मिर्च का स्वाद अब इटली वाले भी चख सकेंगे। लखनऊ की हरी मिर्च अब इटली की सब्जी मंडियों में मिलेगा। रहमान खेड़ा लखनऊ के मैंगो पैक हाउस में इसका निर्यात किया जा रहा है। जल्द ही जर्मनी, लंदन, नीदरलैंड के लिए मिर्च का निर्यात होगा। इससे पहले यहां से अरब और यूरोपियन देशों को सब्जियों का निर्यात हो रहा था। एक प्रतिष्ठित निर्यातकर्ता पिछले 8 सालों से यूरोपियन देशों के लिए हरी मिर्च, हरी सब्जियां और फलों का निर्यात कर रहे हैं। इटली में हरी मिर्च पहली बार भेजी जा रही है। हरी मिर्च व दूसरे उत्पाद गांव के किसानों से सीधे खरीदकर मैंगो पैक हाउस में छटाई और ग्रेडिंग करके पैक करने के बाद अमौसी एयरपोर्ट से भेजा जा रहा है। धीरे धीरे प्रतिदिन 2 टन से अधिक हरी मिर्च निर्यात किया जाएगा। क्षेत्रीय किसान गुणवत्ता वाली सब्जियां, हरी मिर्च और दूसरे उत्पाद पैदा कर सकें, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाता है। किसान भाइयों, प्रदेश के किसानों की ऑनलाइन पंजीकरण की संख्या 50 लाख से ऊपर जा चुकी है। उत्तर प्रदेश डीबीटी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों के लिए खरीफ 2016 में तिल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए तिल के बीज पर अनुदान बढ़ाकर 100 रूपये प्रति किलो देने का निर्णय किया गया है। यह लाभ फतेहपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र के किसानों पर भी लागू होगा। राज्य में दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष तक की आयु के समस्त बीजों पर अनुदान बढ़ाने और अरहर, उर्द, मूंग के बीजों पर अनुदान 800 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2000 रूपये प्रति क्विंटल किया गया है। चना, मटर, मसूर और खरीफ तिलहन जैसे तिल, मूंगफली, सोयाबीन के बीजों पर अनुदान 800 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रति क्विंटल किया गया है। रबी तिलहन के बीजों, राई, सरसों, तोरिया और अलसी के बीजों पर अनुदान 800 रूपये प्रति क्विंटल देय होगा। बुंदेलखंड में जल संसाधन बढ़ाने के लिए 2000 खेत तालाबों के निर्माण का काम प्रगति पर है। मंडी परिषद उत्तर प्रदेश इस वर्ष भी मेंथा आयल के अच्छे उत्पादन की संभावना जताई है। वैश्विक बाजार में लगातार मेंथा की बढ़ती मांग के चलते अब किसान मेंथा की खेती में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। देश में मेंथा आयल के कुल उत्पादन का 92% हिस्सा उत्तर प्रदेश से मिलता है। मेंथा निर्यात बाजार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 86% है। देश में सबसे पहले मेंथा की खेती की शुरुआत 1950 में जापानी मेंथा के साथ शुरू हुई थी। तब इसे जापानी पुदीना के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में मेंथा आयल का सबसे अधिक उत्पादन बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, बलरामपुर और बरेली में होता है। पिछले 3 वर्षों में मेंथा आयल के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। देश में वर्तमान समय में मेंथा की खेती कुल 1,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की कृषि भूमि में होती है। मेंथा आयल का वैश्विक उत्पादन 20,000 टन है, जिसमें से 16,000 टन मेंथा आयल सिर्फ भारत से मिलता है। उत्तर प्रदेश में 45,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लक्ष्य के सापेक्ष अभी 10 मई तक सिर्फ 28,998 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हो सकी है।
सूत्रों के अनुसार बाजार में गेहूं का रेट ज्यादा है और पैसा भी नगद मिल जाता है, इसलिए किसान सरकारी क्रय केंद्रों से कतरा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने घर घर जाकर गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। लक्ष्य पूरा करने के लिए लेखपालों को भी लगाया गया है। इसके साथ ही मोबाइल खरीदारी भी की जा रही है। जिस गांव में करीब एक ट्रक गेहूं खरीद की जानकारी मिलेगी, उस गांव में एजेंसियों को भेजकर गेहूं खरीद कराई जाएगी। मौके पर ही किसानों का बैंक खाता लेकर आरटीजीएस के माध्यम से खाते में खरीद का पैसा डाल दिया जाएगा। इस दौरान उन्हीं किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी जिनका अपना बैंक अकाउंट होगा। किसान भाइयों, कृषि समाचारों, खेतीबाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के प्रमुख जिन्सों के ताजा औसत भाव की। गेहूं सुल्तानपुर में 1535 रुपया प्रति क्विंटल, रायबरेली में 1530 रुपया प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1530 रुपया प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1535 रुपया प्रति क्विंटल। चावल सुल्तानपुर में 2075 रुपया प्रति क्विंटल, रायबरेली में 2050 रुपया प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2195 रुपया प्रति क्विंटल और अलीगढ़ में 2230 रुपया प्रति क्विंटल। चना सहारनपुर में 6060 रुपया प्रति क्विंटल और अलीगढ़ में 6050 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का सहारनपुर में 1680 रुपया प्रति क्विंटल और अलीगढ़ में 1560 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों सहारनपुर में 3980 रुपया प्रति क्विंटल और अलीगढ़ में 3900 रुपया प्रति क्विंटल। प्याज रायबरेली में 820 रुपया प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 860 रुपया प्रति क्विंटल। लहसुन सुल्तानपुर में 4635 रुपया प्रति क्विंटल, रायबरेली में 3500 रुपया प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2980 रुपया प्रति क्विंटल। बैंगन सुल्तानपुर में 600 रुपया प्रति क्विंटल, रायबरेली में 700 रुपया प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 820 रुपया प्रति क्विंटल और अलीगढ़ में 920 रुपया प्रति क्विंटल। हरी मिर्च सुल्तानपुर में 3425 रुपया प्रति क्विंटल, रायबरेली में 3000 रुपया प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2600 रुपया प्रति क्विंटल। टमाटर सुल्तानपुर में 1150 रुपया प्रति क्विंटल, रायबरेली में 1275 रुपया प्रति क्विंटल और सहारनपुर में 720 रुपया प्रति क्विंटल। सेब सुल्तानपुर में 9000 रुपया प्रति क्विंटल, रायबरेली में 5930 रुपया प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 5600 रुपया प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 6880 रुपया प्रति क्विंटल। केला सुल्तानपुर में 2750 रुपया प्रति क्विंटल और अलीगढ़ में 2150 रुपया प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी है, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारे किसान भाई दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और चाहते हैं कि अच्छी फसल हो, लेकिन भैया अगर हमारी फसल पर रोग एवं कीट का आक्रमण हो जाए तो हमारा परिश्रम निष्फल भी हो सकता है। लेकिन इसे कैसे रोका जा सकता है, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिपेक्ष में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं लता वर्गीय सब्जियों में कीट नियंत्रण, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कुल भास्कर आश्रम PG कॉलेज इलाहाबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये लता वर्गीय सब्जियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, लता वर्गीय सब्जियां जो हमारा समाज है शाकाहारी है और ये सब्जियों का उपयोग ज्यादा करता है। इसमें जो विटामिन्स पाई जाती हैं, हमारे जो विटामिन्स की शरीर में कमी होती है, विटामिन्स की कमी के कारण ही तरह तरह के रोग होते हैं। अगर ये सब्जियां पर्याप्त रूप में हम खाएं तो ये बीमारियां हमारे शरीर में नहीं लगेंगी, हम स्वस्थ और निरोगी रहेंगे, इसलिए ये काफ़ी लाभकारी है। दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए और भी जितनी भी खेती की जाती है उससे कहीं अधिक लाभ जो है सब्जियों की खेती में मिलता है। मतलब अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण, तब भी महत्वपूर्ण है, और जो है आप शारीरिक पक्ष की बात करें तब भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये मौसम चल रहा है जी, इस समय लता वर्गीय सब्जियों पर कीटों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है, तो किस तरह के कीट लगते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है? डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि जैसे लता वर्गीय सब्जियां हैं तो इसमें मुख्य रूप से एक कीट आपने देखा होगा, वो लाल रंग का होता है, उसको रेड पंपकिन बीटिल कहते हैं, उसको लालड़ी भी कहते हैं। तो वो जो है लाल रंग का होता है और 7 मिलीमीटर लंबा और 2.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है, और उसकी जो पंख होते हैं ऊपर के वो लाल रंग के और कड़े होते हैं। अच्छा। और शरीर का नीचे वाला जो भाग होता है वो काले रंग का रोम होता है उसके अंदर, और वो जो है जो उसके कीड़े होते हैं वो पत्तियों को जो है वो सक करते हैं, चूसते हैं। अच्छा, पत्तियों को, हाँ, पत्तियों को चूस करके बिल्कुल जाल नुमा बना देते हैं जी। जब उसको जाल नुमा बना देते हैं, उसके चाहे वो नए कीड़े हों या उनके प्राण हों, दोनों जो है पत्तियों को और शाखाओं को जो है चूसते हैं, चूस करके उसको जो है एकदम जालनुमा बना देते हैं। जब जालनुमा बना देते हैं तो उसका हरा भाग पोर्शन जो है निकल जाता है। जब हरा भाग पोर्शन निकल जाता है तो उसमें क्या होता है कि फिर उसका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। अच्छा। पौधे का, पौधे की जो जितनी वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं, उतने विकास नहीं हो पाता है, जिससे कि फल उत्पादन नहीं होता है। जो फल उत्पादन नहीं होगा, सब्जियां का जो फल ही नहीं लगेगा, तो किसान को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह के अगर हमें कीट दिखाई दें अपनी फसल पर तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? ऐसा जब कीट ये दिखाई दे, जैसे मैंने बताया रेड पंपकिन बीटिल जो है, तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि दिन में जो है ये कम दिखाई, दिन में जो है ये ज्यादा दिखाई देते हैं और रात में छिपे रहते हैं। ये छिपे कैसे रहते हैं, जहां पर घासें वगैरह होती हैं वहां पर छिपे रहते हैं, या ढेले वगैरह होते हैं वहां छिपे रहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि किसान को ये चाहिए कि घास वगैरह जो है खेत में नहीं होना चाहिए। अच्छा। घास रहती है तो उसी में छिपे रहते हैं, तो निराई गुड़ाई अपना जो है करके जो है सही समय साफ सुथरा जो है रखना चाहिए खेत को, केवल जो है पौधे ही उसमें रहें। तो एक बात तो यह है कि इनको जो है दिन में ये अगर लगते हैं तो उसमें क्लोरपाइरीफास 0.3% आप क्लोरपाइरीफास जो है आप उसका छिड़काव कर दें,
और अगर जो है रात में जो है शाम के समय जो है इनको दिखाई दें या सुबह मॉर्निंग दिखाई दें तो उस समय ये सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, और ये कम अगर प्रकोप किए हुए हैं तो उनको जो है हाथ से पकड़ करके ले जाकर के मिट्टी के तेल में डाल देना चाहिए जी, तब जो है इनका प्रकोप कम हो जाता है। आपने जैसे बताया कि 0.3% क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई 0.3% जाने कैसे, उसको बनाए कैसे? देखिए ऐसा है कि इसे 0.3% मैंने कहा जी, तो किसान को ये समझ चाहिए 0.3% का मतलब ये हुआ कि 3 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास दवा और 10 लीटर पानी में घोलें। अच्छा। और घोल करके उसको दवा का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई को समझना चाहिए कि जैसे लतर अगर लगी हुई है, पौधे हैं, तो उसमें जो है आप ज्यादा कंसंट्रेशन की दवा डालते हैं तो इसे डालना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर फल लगा हुआ है, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन की दवा डाल देते हैं तो वो हम लोग भी नुकसान कर जाता है और पौधों को भी नुकसान कर जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जितनी मात्रा में उनको दवा बताई जाए उतनी ही मात्रा में डालना चाहिए, तो ना पौधे को नुकसान होगा, वो जो है कीट मर जाएंगे, लेकिन ना आदमी को नुकसान होगा ना पौधे को नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लता वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो इस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? देखिए ऐसा है कि फल मक्खियां हैं कि फल मक्खियों में होता है जैसे फूल से जैसे जो है फल बनना शुरू हुआ सब्जी के फल में, जैसे नेनुआ हुआ, लौकी हुआ, ये परवर हुआ, ये सब जो है जैसे फल बनना शुरू होता है तो ये मक्खियां जो होती हैं, फल मक्खी जो होती हैं, ये जो ऊपर वाली परत होती है उसके छिलके के नीचे ये बार बार जो है ये छिद्र करती हैं। अच्छा। जब छिद्र करती हैं तो उसमें कई बार छिद्र करेंगे, जब छिद्र करें तो उसमें से रसीला पदार्थ निकलेगा, रसीला पदार्थ निकल करके ऊपर जो है गोंद जैसे बन जाता है और उसी के अंदर ये अंडे देती हैं। अंडे जब देती हैं तो उसमें से जो है सूढ़ियां निकलती हैं, सूढ़ियां निकल करके फिर ये जो है उसी गूदे में प्रवेश कर जाती हैं, गूदे में प्रवेश करके वो उसके गूदे को खाएंगी, चाहे वो मुलायम हो, चाहे छोटा फल हो, चाहे बड़ा फल हो, वो दोनों प्रवेश करती हैं। जब उसके अंदर गूदा खाएंगी उसमें से मल पदार्थ बाहर निकालेंगे, अपने अंदर से मल पदार्थ निकालेंगे और गूदा खाएंगे, जब गूदा खाएंगे तो वहां का पोर्शन जो है वो उतना सड़ जाता है, जब सड़ जाता है तो फल क्या होता है वो टेढ़ा हो जाता है और कभी कभी सूख जाता है और कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। जब छोटी अवस्था में रहता है तो जो है फल सूख करके गिर जाता है और बड़ी अवस्था में टेढ़ा हो जाता है। तो उसको अगर किसान जो है उसको ले जाता है बाजार में तो वो जो है मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है। एक भी अगर टेढ़ा हुआ फल दिखाई दिया तो लोग कहते हैं पूरा जो है इसमें जो है कीड़े लगे हुए हैं, तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब इसको कैसे रोका जा सकता है? हाँ, आपने ये प्रश्न सही किया कि इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए अगर इसके छोटे कीड़े लगे हुए हैं, मतलब कि उनके जैसे कि बच्चे हैं वो लगे हुए हैं छोटे कीट, तो उसमें ये होता है कि 0.03% मैलाथियन का छिड़काव करना चाहिए, मतलब वही कि 3 मिलीलीटर दवा और 10 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे तो जो छोटे कीड़े होते हैं इनके मतलब कि फल छेदक के वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़े कीड़े हैं और ज्यादा मात्रा में है तो उनके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है कि 0.03% मेलाथियन उसके साथ और मिलाएंगे क्या 5% चीनी। अच्छा, चीनी। चीनी तो क्या होता है कि उनके कीड़े आकर्षित होते हैं, वो जो फ्रूट फ्लाई होते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो मतलब हुआ कि 3 मिलीलीटर दवा और 10 लीटर पानी में घोल लीजिए और दूसरे भगोने में आप कहिए कि 50 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में खोलिए, 1 लीटर पानी, और दोनों को मिला लीजिए। जब मिला लेंगे और तब उसका छिड़काव करेंगे तो उसी को चाटते हैं, जब चाटेंगे तो उसको चाटने के बाद वो मर जाते हैं। ये उनका जो है फ्रूट फ्लाई का जो है रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कद्दू हुआ, लौकी हुई, करेला हुआ, इन पर एक सफेद रंग का कीड़ा भी लगता है, सफेद रंग जो हमारी पूरी फसल को चौपट कर देता है, तो इसको कैसे रोकते हैं और ये किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है? इसको व्हाइट फ्लाई कहते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रकोप डालता है, विशेष करके जो है ये समझ लीजिए कि बरसात में ही इसका प्रकोप ज्यादा होता है, गर्मी में भी होता है। इसमें होता है कि सफेद रंग के कीड़े होते हैं और जो मुलायम शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि वो पौधे का विकास शुरू हुआ और शाखाएं निकलना शुरू हुई, 1, 2, 3, 4 शाखाएं फूटना शुरू करती, मुलायम रहता है, तभी ये जो है उस पर जो है जाके प्रवेश अच्छा। करती है, मतलब कि उसमें बैठ जाती है। बैठने के बाद क्या करता है कि उनके जो है मुलायम पोर्शन को जो है वो चूसना शुरू करती है। अच्छा। जब चूसना शुरू करेंगी तो वहीं से वो जो है सूख जाता है। अच्छा। जब सूख जाएगा पौधे का विकास नहीं होगा
तो जो है फल लगेगा ही नहीं, फूल लगेगा ही नहीं, तो इससे किसान का नुकसान होता है और ये प्रारंभिक अवस्था में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इनके लिए ये होता है कि इनके लिए मोनोक्रोटोफास 0.05% मोनोक्रोटोफास का छिड़काव करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि 5 मिलीलीटर दवा हो मोनोक्रोटोफास और 10 लीटर जो है पानी हो, घोल करके इसका दवा का छिड़काव करें तो जो है व्हाइट फ्लाई जो है वो नष्ट हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये तो आपने सफेद कीड़े की बात बताई, एक हरे रंग का कीड़ा, हाँ, हरे रंग का भी कीड़ा तो होता है, वो हमारे पौधे को किस तरह से नुकसान पहुंचा हरे रंग का कीड़ा होता है, उसको जैसिट कहते हैं। जी जैसिट कहते हैं और उसे किसान लोग हरा कीड़ा हरा कीड़ा कहते हैं, लेकिन उसको जैसिट कहा जाता है। वो भी जो है वो हरे रंग के रहते हैं कीड़े और उड़ करके जो है इस पर उस पर अपना बैठते रहते हैं, पत्तियों बैठते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पत्तियों का जो है रस को चूसते हैं और जो मुलायम शाखाएं रहती हैं उसको भी चूसते हैं, पत्तियों भी चूसते हैं, चूस करके जो है पौधे को सुखा देते हैं। और सुखाने के बाद क्या होता है कि फल आदि विकास नहीं कर पाता है, वृद्धि और विकास रुक जाता है, फूल नहीं लगता, फल नहीं लगता है, जिससे किसान को जो है नुकसान होता है। तो इसके लिए अगर जैसिड लगा हुआ है तो इसके लिए जो है आप मैलाथियन 0.03% का छिड़काव कर दें या इंडोसल्पान 0.03% का छिड़काव कर दे, मतलब 3 मिलीलीटर दवा और 10 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दे। जी लेकिन कब करें हम छिड़काव, शाम के समय कि दिन में, किस तरह किस समय नहीं? देखिए ऐसा है कि छिड़काव जैसे कि आपने वो कुहासा पड़ा है तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको जो है धूप थोड़ा सा हल्की निकल आवे उस समय करना चाहिए या शाम के बहुत पहले करना चाहिए, बहुत शाम को नहीं करना चाहिए इसका छिड़काव, मतलब कि समय भी देख करके ही छिड़काव करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौसम विभाग ने अभी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलते रहने की संभावना जताई है। कल बांदा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पर पारा सामान्य से 3 डिग्री अधिक यानी 46.8 डिग्री सेल्सियस रहा। लखनऊ और आसपास के इलाकों में दिन का तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। सोमवार को राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में ग्रीष्म लहर का प्रकोप बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मौसम में बदलाव के आसार नहीं है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज कल में मानसून अंडमान में पहुंच जाएगा। केरल में 1 से 7 जून तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। केरल के बाद इस मानसून की दो शाखाएं हो जाएंगी। मानसून ने अगर अपनी रफ्तार कायम रखी तो 15 से 16 जून को मानसून उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगा। मौसम विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि 3 दिन बाद हवा का रुख बदलेगा और यह उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्वी हो जाएगा, इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने इस साल देश भर में अच्छी बारिश की बात कही है। किसान भाइयों, शुष्क मौसम को देखते हुए सलाह दी जाती है कि हरी सब्जियों और खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई सुबह या शाम को करते रहें। ग्रीष्मकालीन हरी खाद के लिए सनई, ढेंचा आदि की बुआई कर सकते हैं। सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम करें और इसे छायादार स्थान पर रखें। मिर्च के खेत में माइट की निगरानी करते रहें। बेलदार फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें। कम नमी होने पर परागण पर असर पड़ता है और उत्पादन में कमी आ सकती है। गुलाब की क्यारियों में सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करें और खरपतवार नियंत्रण करते रहें और सूखी टहनियों को काट दें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। अब दीजिए अनुमति